साथ काफी दर्शक जुड़ चुके हैं जो कि काफी दूर से आए हैं यहाँ पर, देहरादून से आए हैं। इन्होंने काफी उकाल ठेली यहाँ से और तब जाके यहाँ पर पहुँचे। आज हम आए हैं धारे की चौली में, जहाँ की जहाँ हमारी पूर्वजों की छानियाँ हैं जो कि अब बंजर पड़ गई हैं। शूटिंग केंद्र आरओ की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती हुई और ये बैसे बाटा की शुरुआत होती हुई। यहाँ पर किनगोर का डाला आमीन पौधा गढ़वाल में आते ही गढ़वाली वर्ड्स जो है ये खुद ब खुद मुंह से निकल जाते हैं। ये एक हैरान देवता, जब भी हम इधर अपने पशुओं को लाते थे सबसे पहले इनकी पूजा की जाती थी। तत्पश्चात यहाँ पर गर्मियों के सीजन में लोगों का आगमन होता था। जले गया ओपन है। आ जा तत्र दूर तक एनु भयंकर नजर की दूरबीन है। कोई की ये हमारा पौराणिक मकान अरे गृह प्रवेश कराओ भाभी का यार, पहली बार आ रहे हैं। लौटिया लिया वाल कल सु लिया ना तेरी मुंह दिखाई ये लो बकरा थोड़ा थोड़ा दुल्हन वाला वो भी तो करना पड़ेगा। बकरा का फूल दूल्हा है ही नहीं तो गृह प्रवेश दुल्हन ना दूल्हा तो कई बार जा रखा बिल्कुल बिल्कुल गार्डिंग है अभी। अरे की चोली का गोटा रोड का भी ले उठा जो तेरे वाले आया रोड की बात मत करो। यहाँ पे रोड का खा के आना तो तुमने घर से रोड का खाया बिमला चा काल बिमला चाता तो
अपने अपनी तरफ से नई भाभी को सब प्रेम भेंट। ये इन्हें मिलावट है, ये खपटा वाला ये खपटे बेड है। ये सुंदर वादियों के बीच अभी हम धारा की चौली में, ये सप्तनाग पर्वत आप काफी वीडियो में देख चुके होंगे। और जब इन सुंदर वादियों में हम प्रवेश करते हैं तो ऐसे गानों का जुबान पे आना लाजमी हो जाता है। यहाँ बाटा को जाने किस निर्भागी का मुर्दा मरा है। आड़ू की डाल में आड़ू नहीं लगेंगे तो सेब लगेंगे। दादा दादी आए, दादा दादी आए, उधर मत जाओ ज्यादा हैं। टीरी की झील दिखाती हुई दिखती हुई यहाँ से काफी ऊंचाई पर ये स्थान सब बना ये सप्तनाग पर्वत का मनोरम दृश्य। और इतनी बड़ी छानी होके भी यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, लेकिन आज लोग दूर दूर से रहने के लिए आए हैं। लोगों के पुराने ताले खुल चुके हैं यहाँ के। और यहाँ पर मधुर मधुर नाशपाति का स्वाद लेते हुए अनुभवी बल्लेबाज मधुर नहीं खट्टा वाला तुम कहीं का बेज तैयार करना चलो सभी हाय बोलो अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग। सेबों की चोरी होती हुई हेलो चोर भी मारना पड़ेगा कि याद रखे झाड़ो अभी एक वहाँ पे भी बस वो ज्यादा ना जाए बर्बाद। ये है हमारा खेत जिसपे काफी कटकड़ा रहता था कभी कभी। गर्मियों के सीजन में बल्दों की भी और मनखियों की भी आफत आ जाती थी इधर। एक जिठानी अपनी दियोरानी को पूरी अपनी कहानियां बता रही हैं। प्रॉपर्टी बताते हुए पूरी प्रॉपर्टी की यहाँ यहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, आने वाले टाइम में हम यहाँ कब्जा करेंगे। अपनी पूरी पुरानी बातें साझा करती हुई बता रही हैं कि किस तरह से हम यहाँ से मोरू बांझ और साथ में खेतों में किस तरह से काम होता था। अब कितना आसान लाइफ हो गई है, पहले कितनी टफ लाइफ थी। अब वापस जाते हुए कत करो तेरी स्वाणी चाहो, कत करो तेरी स्वाणी चाहो। खैराना नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह खैराने भगवान की जय। अभी ध्यानियों की जय। धारा की चौली की जय। हरसा बावद की जय। भरता अपान की जय। बिन्नी मौसी की जय। छब्बाड़ा जीतेगा, चोर बदमाश जीतेगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाते।
दिमाग आ जा तू मेरे सामने अल्लाह अस्तगफुल्ला ओए तपस्या कर रहा है यहां पर भागने वाली चीज मेरे तपस्या जय बजरंगी जय नहीं तो मैं ये चिरकला दे दूंगा श्राप मेरे पास है नहीं ये चिरकला भी दे सकता हूँ मैं भारी नाटक चलनेगा नमस्कार दोस्तों आप हैं यहाँ पर अभी धारे की चौली में और हमारे साथ काफी दर्शक जुड़ चुके हैं जो कि काफी दूर से आए हैं यहाँ पर देहरादून से आए हैं इन्होंने काफी उकाल ठेली यहाँ से और तब जाके यहाँ पर पहुंचे हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए हम एक से पूछना चाहते हैं यहाँ पर इनको कैसा लगा यहाँ पर तो पहले बड़ी भाभी जी हमारी ये तो हमारी यादगार वाली जगह है हम तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं बिल्कुल सही इन्होंने यहाँ पर काफी मेहनत की है यहाँ पर काफी आलवाड़ी इन्होंने जगवा लिए हैं दूसरी भाभी जी हमारे जो कि अभी नई नई इधर आई पहली बार इधर आई इनसे पूछना चाहते हैं इनको कैसा लगा यहाँ पर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया बहुत एंजॉय किया जो इतने दिनों की थकान थी सब उतर गई बिल्कुल और ये तीसरी हमारे यहाँ पर दीदी जी इनसे पूछिए नमस्ते मेरा नाम विनीता सिमाल है मैं राय वाला से आई हूँ मुझे चलना भी नहीं आता यहाँ पे और कभी कभी बचपन में चार भैंस पाली थी यहाँ चलना नहीं आ रहा पता नहीं क्या हो गया बीमारी है कि क्या है कुछ पता ही नहीं लग रहा है तो देखा आप लोगों ने कैसे यहाँ पर लोग इतने दिनों बाद आ रहे हैं लोगों को चलना भी नहीं आ रहे हैं लेकिन बड़ी मशक्कत से यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर आए हैं यहाँ पर जबकि ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है और फिर भी लोग यहाँ पर आए हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं भाई साहब लोग कुंके लगा रहे हैं यहाँ पर बढ़ चुका है और यहाँ पर दीपिका चौथ के दिन हमारी सबसे प्रिय पुत्री आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पर आज हम आए हैं धारे की चौली में जहाँ की जहाँ हमारी पूर्वजों की छानियाँ हैं जो कि अब बंजर पड़ गई हैं तो आज हमारा घूमने का प्रोग्राम था तो आज हम आए हैं पूरी फैमिली के साथ और कलम जा रहे हैं हमने बहुत सारे हाँ और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ये धारे की चौली का ब्लॉग पूरा देखें आपको बहुत मजा आने वाला है बहुत मजा आने वाला है ये देखो पहाड़ की सेब आप सेब भी खा सकते हैं जो सेब जहाँ मैं रहता हूँ 200 रुपए केजी है यहाँ पे देखिए फ्री के मिल रहे हैं वो भी चोरी के चोरी से खाए बहुत टेस्टी लग रहे हैं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसको बोलते हैं लिंगड़ा क्या बोलते ये कैमरा क्या होने लिंगड़ा बोलते हैं ये देखो इसकी सब्जी होती है इसको निकालना पड़ता है तब काट के इसकी सब्जी होती है ये देखो कैमरे के डब्बे में सब कुछ डाल रखा है काफी स्वादिष्ट सब्जी होती है इसकी जैसे ऑमलेट होता है वैसे यार कैमरे के डब्बे को तो पता नहीं क्या कर दिया है यहाँ ढूंढने खुजली खाने आ चोनी भाभी जी पहली बार आए इनका घर प्रवेश करा हमने छाने में बहुत मजा आया 111 रुपए हमने इनको पिटाई लगाई और बहुत बड़ा गिफ्ट भी ला रखा था अमेरिका से जिसका नाम है खाप्ता गिफ्ट खाप्ता गिफ्ट अमेरिका मती पर चढ़े ले टूटियो घंटर चलिए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और करना नहीं अगर नहीं करेंगे इसलिए हम क्या पता गड़ाएंगे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो कर सकते हैं कर देना बस भाई हो गया बस रिलैक्स और यहाँ पर चूल्हे झाड़ दे रहे काफी महंगे ये फल होते हैं लेकिन यहाँ पर जंगली फल लोगों के नाम से जाना जाता है इन्हें ऐसे तो खट्टे हो रहे हैं अभी लेकिन वैसे होते बहुत मीठे हैं वीडियो ये दोस्तों पोलम का पेड़ जिसमें ये लाल लाल पके हुए पोलम लगे हुए हैं यात्रा लगभग समाप्ति की तरफ है और हम यहाँ पर एक घर पे बैठे हुए हैं जो हमारे चाचा जी लोगों का मकान है यहाँ पर थोड़ा विश्राम करने के बाद पानी पूनी पीने के बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो इस ब्लॉग को यहाँ पर समाप्त करते हैं
सभी बाय बोलेंगे,